हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है वेंसी एंड आशु व्लॉग्स और मेरा नाम है वंदना। तो आज है 28 तारीख और दिन है फ्राइडे का, और ये जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है लगभग 11:30 बज रहे थे तब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो ये लंच का टाइम है, तो मैं लंच बनाने जा रही हूँ। मेरा जो भी मॉर्निंग का रूटीन था वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आगे हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में वही जो दाल रोटी सब्जी दोपहर में यही बनता है ज़्यादातर घरों में, मुझे लगता है कि यही दाल रोटी सब्जी ना यही सब बनता होगा। तो मैंने आज ना दाल में अरहर और जो मूंग की दाल होती है ना, जो साबुत वाली दाल, तो वो मैंने आज मिक्स करके बनाई है। तो उसमें ना मैं 2 टमाटर ऊपर से बस ऐसे ही काट के डाल दूंगी, क्योंकि जब दाल उबलेगी ना तो उसके साथ जो टमाटर है वो भी अच्छे से उबल जाएगा और गल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, जिससे दाल में थोड़ा सा ज़्यादा स्वाद आ जाए। और यहाँ पे ना जो ढक्कन है ना कुकर का, वो मिल ही नहीं रहा था, इतनी देर से मैं ढूंढ रही थी। कभी कभी होता है ना कि सामने होता है दिखता ही नहीं है, बहुत देर से ढूंढ रही थी तब जाके चलो मिल गया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ बात कर रहे थे, और मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था ना कि दीदी आज जो मेरा माइक्रोवेव है ना, मैं उसको किचन में फिट कर लूँ। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि कहाँ लगाऊँ, तो फिर मैंने मुझे यही एक जगह दिखी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा के देख रही हूँ कि फिट आता है कि नहीं। बस एक प्रॉब्लम ये हो गई ना कि जो सिलेंडर का पाइप है ना वो इसके नीचे से जा रहा है, तो जब भी मुझे ना ये ऑन करना पड़ेगा ना माइक्रोवेव, तो मुझे सिलेंडर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा। लेकिन पता, जैसे मैंने ही लगाया ना, मतलब जो मेरा OTG है, तो किचन बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो आपका बहुत थैंक यू, आपने मुझे बताया कि माइक्रोवेव वहाँ लगाने के लिए ना, उससे मेरा किचन अच्छा लग रहा है। तो आप लोग मुझे ऐसे सजेशन देते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि खुद के दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। कभी कभार ऐसा होता है, कोई जब और कोई देखता है ना तो फिर पता चलता है। तो यहाँ पे मैं करेले की सब्जी लेकर आ गई हूँ काटने के लिए, तो मैंने सब्जी भी काट ली है और मेरी दाल भी उधर बन चुकी है। तो तड़के में ना मैंने लहसुन को छील के ना कूट लिया था, अगर कूट लो ना तो लहसुन का स्वाद बड़ा अच्छा सा आता है। तो फिर उसमें मैंने बारीक प्याज काट के प्याज को भी अच्छे से भून लिया है। फिर उसके बाद मैंने जो करेली थी वो मैंने डाल के नमक डाल दिया है बस करेले में, बाकी बस मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ बड़ी सिंपल तरीके से, और ये दाल चावल के साथ ना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी, तो उसके लिए मैंने लिया नारियल, मिर्चा, हरा धनिया और लहसुन। हरा धनिया थोड़ा सा सूख गया था लेकिन मैंने ले लिया, तो इसको मैं बनाऊंगी। पता, नारियल रखा हुआ था ना जो प्रसाद वाला, 2 नारियल रखे हुए थे, तो मैंने कोई कितना खाएगा ना, तो मैंने सोचा चलो चटनी ही बना देती हूँ। तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, उसमें डालूंगी राई और फिर कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो मेरे घर पे ही है, पता आग लग गई थी, जैसे मैंने कड़ी पत्ता डाला ना बिल्कुल आग निकल गया था। और फिर मैंने देखो वो जो छौंक लगा दिया है चटनी में, इतनी टेस्टी चटनी लग रही थी ना खाने में। अब मैं इसको स्टोर करके रख दूंगी फ्रिज में, आराम से मेरा हफ्ता भर चलेगा। तो इस तरह से चटनी वगैरह जब फ्रिज में रहता है ना, तो कभी जैसे दोपहर में खाने के साथ ना अचार या चटनी खाने का ना बड़ा मन करता है, तो मैंने बना के उधर रख लिया है। इधर ना सुबह मैंने आटा गूंथ लिया था, तो दोपहर का भी आटा मैंने सुबह ही गूंथ लिया था, तो उसी के फटाफट अब बना देती हूँ यहाँ पे रोटियाँ। और रोटियाँ मैंने सबके लिए बना दी हैं। और पता है कि अब पहले तो मेरी आदत नहीं थी रोटी बनाते ही चकला बेलन धोने की, लेकिन आपने ही मुझे, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि दीदी उसी टाइम पे धो लिया करो, तब से मेरी आदत सी बन गई है, मैं उसी टाइम पे धो लेती हूँ। और मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, उसी टाइम पे ही धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो भी धो के किचन वगैरह भी साफ कर दिया। और ये जो टाइम है ना, ये टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे, तो इस टाइम पे हमने लंच वगैरह कर लिया था और हिमांशु भी आए थे, वो भी लंच करके फिर वो अपने वापस अपने काम पे चले गए थे। और फिर मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये दिन है आज का, मतलब आज सैटरडे है, 29 तारीख है, तो ये आज मॉर्निंग का वीडियो है। तो मैंने आज मॉर्निंग का जो क्लीनिंग रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो बेड है, ऑफकोर्स बेड को ही पहले मैं ठीक करूंगी, क्योंकि एक बेडशीट बिछाना, बेड क्लीन करना एक ऐसा काम होता है ना, अगर बेड ठीक कर दो ना, चादर वगैरह अच्छे से बिछा दो, तो फिर लगता है कि हाँ पूरा कमरा दिन साफ हो गया है, क्योंकि पूरे कमरे में सबसे बड़ा काम जो होता है ना वो बेडशीट बिछाने का ही होता है। तो यहाँ पे ना जो बेडशीट मैंने आपको बताया था ना ऑनलाइन, जो हमने अमेजोन से लिया था, बहुत ही बेकार, मतलब देखने में तो बेडशीट बहुत अच्छी है कि प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा है,
लेकिन इसका कपड़ा एकदम बेकार है, मतलब सिकुड़ जा रहा है बहुत। तो जब भी वॉश करो ना, उसको प्रेस करने ही पड़ रहा तभी। और छोटा भी साइज़ बहुत आ गया, हमारा बेड बड़ा है ना तो साइज़ भी छोटा आ गया, बट अब जैसा भी आ गया काम तो चलाना ही है। तो जब मैंने प्रेस वगैरह कर दिया ना, तो बेडशीट ना बहुत अच्छी लग रही थी और बिल्कुल प्लेन, मतलब ना बिल्कुल सिलवटे नहीं थी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए देखिए अब बेड कितना अच्छा लग रहा है ना, तो मैंने वो भी काम कर दिया। अच्छा आप लोग मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेरे पूछा था कि अब मैंने जो बेड के सिरहाने पे कपड़ा क्यों लगाया है, तो मैंने वो इसलिए लगाया ना कि जो मेरी डॉग है ना ऑस्कर, तो वो बेड पे आके कभी कभी बैठती है, तो उसके बाल ना उस पर जो बेड ना उस पर चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है, तो उसकी वजह से ना मुझे वहाँ पर कपड़ा लगाना पड़ गया, ताकि जब कपड़े पर अगर बाल भी आते हैं ना तो झाड़ दो तो साफ हो जाता है। तो मैंने उधर तो दोनों बेडरूम को मैंने सेट कर लिया। अभी बारी आती है जो ये डाइनिंग टेबल, इसका ये भी, इस पे भी कुछ ना कुछ कूड़ा सुबह से शाम तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और तो फिर मैंने उसको भी साफ कर लिया। अब मैं पूरे घर में लगा दूंगी झाड़ू। तो वही होता है ना, पूरे घर में एक बार झाड़ू वगैरह लग जाए ना तो पूरा घर साफ हो जाता है। और जब मैं काम करती रहती हूँ ना, तो मेरी ऑस्कर है ना मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती है। तो वही होता है, देखिए दोस्तों, घर अपना हो या किराए का हो, घर को साफ सुथरा हमेशा रखो ना तो घर अच्छा ही लगता है। अब किराए का घर है तो क्या, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अपने ही घर जैसा साफ सुथरा एकदम क्लीन रखती हूँ। हाँ मतलब डेकोरेशन का उतना कुछ है नहीं सामान मेरे पास, तो लेकिन जो भी सामान है मेरे पास ना उसको मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ, क्योंकि वो अगर घर साफ सुथरा हो ना तो वैसे भी कुछ ना सामान हो ना तो भी अच्छा ही लगता है। तो मैंने देखी झाड़ू लगा दी है, और यहाँ पे जो कपड़े थे ना मशीन में वो भी मैंने डाल दिए है। आज मुझे ना 2 बार कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि अभी बाथरूम में ना और कपड़े रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है डेली का डेली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना डस्ट वगैरह बहुत आ जाता है। और डस्टिंग करने के बाद नंबर आता है पोछा लगाने का। तो आपको पता ही कि जो मेरा वाइपर है वो टूट गया है, तो मुझे ना हाथ से ही पोछा लगाना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, एक्सरसाइज भी हो जा रही है इसी बहाने, क्योंकि बैठ के पोछा लगाओ ना तो मेहनत बहुत लगती है ना, ऊपर शरीर का यूज़ होता है, हाथ पैर भी चलते रहते हैं, तो एक्सरसाइज भी हो जाती है। अच्छा आपने मुझे बोला था ना कि मुझे वो बकेट वाला वो लेने के लिए, तो वो मैं लूँगी, लेकिन बाद में, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने पता किया ना वो महंगा आता है, मतलब 3-3 हज़ार तक का आता है, तो मैं उसको ना बाद में लूंगी, मतलब ठंड आने से पहले मैं ले लूंगी इसे। और फिर यहाँ पे मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया, बिल्कुल मेरा घर जो है कि वो चमक गया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नहा लिया है। नहाने के बाद ना बड़ा अच्छा लगता है, काम वाम कर लो ना तो लगता है बस जल्दी से नहा लो। और नहाने से पहले ना जब मैं बाथरूम में गई तो बाथरूम इतना गंदा था ना, फिर मैंने बाथरूम भी साफ कर दिया, बाथरूम भी मेरा एकदम अब चमक गया है। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो जो नहाने के बाद ना मैं ज़रूर एक कप चाय पीती हूँ, ये मेरी ना फुर्सत वाली चाय होती है। अब मैंने इस चाय का नाम रख दिया है फुर्सत वाली चाय, जो नहाने के बाद मैं पीती हूँ। तो मैं यहाँ पे और टीवी ऑन कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, और फिर बैठ के अपना चाय पीऊँगी, और टीवी में वगैरह अभी मतलब न्यूज़ वगैरह देख लूँगी, और थोड़ा गाने वगैरह सुन लूँगी, और फिर आराम से बैठ के मैं अपनी चाय पीऊंगी। तो इस टाइम पे यही होता है कि मैं अपना, अभी हिमांशु भी हैं घर पे, लेकिन वो अपने कमरे में बैठ के चाय वगैरह पी रहे होंगे, फोन पे बात बात भी कर रहे थे ना, तो इसीलिए मैं इधर आके अपना नीचे ही बैठ गई, क्योंकि नीचे फर्श एकदम क्लीन था ना, तो पता है मुझे नीचे बैठना बहुत अच्छा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।